हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कल के मार्केट अपडेट के बारे में एंड छोटा सा वीडियो रखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को अपने व्यूज बताओ कि कल आप लोगों को क्या लगता है मार्केट में क्या होगा। मैं आप लोगों को थोड़ा मतलब ऐसा 5-10 सेकंड दे देता हूँ, जाकर आराम से आप इस वीडियो को लाइक करो। लाइक टारगेट हमारा 300-400 लाइक्स का रहता है, जिससे जो वीडियो होता है थोड़ा सा पुश मिलता है उसको एंड बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली अनसब्सक्राइब होते जाते हैं, क्योंकि मैं रोज रोज देखता हूँ कि 20-25-30 सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं और दोपहर तक होते होते 7-8 सब्सक्राइबर्स ऑटोमेटिकली अनसब्सक्राइब हो जाते हैं। तो एक बार चेक कर लो, अगर आप ऑटोमेटिकली अनसब्सक्राइब हो गए तो वापस से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे निफ्टी के साथ। निफ्टी का कल मैंने आप लोग को जो बुलेट सेटअप दिया था वो ये था कि 18,640 के ऊपर एक बुल मूव आएगा। हुआ वैसा ही, पहली दो कैंडल बहुत अच्छी ऊपर बन गई, फिर साइडवेज एंड टुवर्ड्स एंड हम लोग को एक ब्रेकआउट देखने को मिला। अच्छा, जो ब्रेकआउट था एंड में, हम लोग को ऐसा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला कि यहां से अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाओगे तो उस ट्रेंड लाइन का भी वो ब्रेकआउट जो है कैंडल क्लोज हुई एंड उस ब्रेकआउट को एक कंसोलिडेटेड वे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब यहां से आगे जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि हम लोग एक रेंज के बीच में बहुत टाइम से घूम रहे हैं, आई डू थिंक कि अभी हम लोगों को यहीं पे इसी रेंज से या जहां पे भी हम है यहां से हम लोगों को थोड़े के नीचे लेवल्स वापस देखने पड़ेंगे। ट्रिगर्स हैं हमारे पास, एक तो आज CPI डेटा है, कल FOMC का मीट है, तो ये ट्रिगर्स हैं हमारे पास ऑलरेडी एंड आई डू थिंक कि मार्केट में इसकी वजह से थोड़ी सी वॉलिटिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि फ्लैट खुल के एक बार एक विक आपको 50-60 पॉइंट्स का ऊपर दे और तुरंत वहां से नीचे गिर जाए, या फिर स्ट्रेट अवे गैप डाउन होके हम लोग यहां से नीचे गिर जाए। हमारे पास जो क्रूशियल लेवल्स है गाइज, वो अगेन जो पहले के लेवल से वही सेम है, 18,680 का लेवल एंड 18,640 का लेवल है। दो लेवल्स आप लोगों ने दिमाग में रखने हैं, 640 के लेवल के नीचे आप लोगों को बियरिश हो जाना है एंड आई थिंक वहां से नीचे हम लोग एक बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही बड़ा फॉल देखने के लिए मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हम लोग, आई थिंक निफ्टी का जो है व्यू आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मेरा जो व्यू है वो एक रेंज बाउंड है एंड अगर हम लोगों को ऊपर का मूव मिलता है इनिशियली तो फिर हम लोगों को नीचे का एक्सपेक्ट करना है, या फिर अगर हमको एक गैप डाउन खुलता है तो वो मार्केट रिकवरी ले सकता है। क्योंकि देखो होगा क्या ना कि दोनों साइड के स्टॉप हंट्स कटेंगे, FOMC का मीट भी आज, CPI का डेटा भी आ जाएगा, तो आई डोंट थिंक कि CPI का डेटा भले बुलिश हो या बेरिश हो उससे ज्यादा इंपैक्ट बढ़ना चाहिए कि जी अगर सपोज करो NASDAQ 2% ऊपर चढ़ गया, 2% नीचे गिर गया CPI के डेटा से, तो उससे हमारे मार्केट को ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी का जो पिछला रेंज था मेरा, ये नो ट्रेडिंग जोन जो था, ये अब थोड़ा सा और छोटा हो चुका है एंड रेड लाइन आप लोगों के लिए मार्क्ड है, आप लोग इसको इजीली पॉज कर देख लेना। 43,940 के आसपास है, इसके नीचे कैंडल क्लोज होगा तो हम लोग एक अच्छा फॉल एक्सपेक्टेड है। ऑल्दो वो फॉल आकर नहीं दे रहा है, ना ही कोई ब्रेकआउट आकर दे रहा है, टुवर्ड्स एंड आज हमको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली एंड ऐसा हम लोगों ने बहुत सारे केसेस में देखा है। जब कभी हमको ये लास्ट टाइम ऐसी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखने को मिली थी तो वहां से हमको एक बियरिश मूवी फॉलोअप होता हुआ देखने को मिला था। तो जब भी हमको 3 PM पोस्ट 3 PM हम लोग को एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है तो वहां से जो फॉलोअप मूव आता है वो उसके बियरिश होने के चांसेस पिछले 45-60 डेज में ज्यादा है। तो आज भी हम लोग को एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स एंड देखने को मिला एंड आई डू थिंक कि इसके बाद हम लोग को यहाँ से एक बियरिश फॉलोअप देखने को मिलना चाहिए। नेवरदलेस मैंने आप लोगों के लिए ग्रीन लाइन मार्क कर दिया, पिछला ऑल टाइम है 44,150 के आसपास था एंड आई थिंक 44,150 के ऊपर वापस से हम लोग जो है बुलिश सिनेरियो को देखने लग जाएंगे एंड एज आई सेड निफ्टी के लिए की जो सेम ट्रिगर्स हैं वो सेम ट्रिगर्स हमको इसके लिए भी मेंटेन होते देखने को मिल सकते हैं एंड मार्केट में एक रेंज बाउंड वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है कि पहले ऊपर गया, ऊपर जाके शॉर्ट्स काट आया, फिर नीचे गया, नीचे जाके आप लोगों के जो भी लॉन्ग्स के स्टॉप हंट्स हैं वो काट दिए, तो ऐसा एक मार्केट हम लोगों को एक एनक्लोजर में देखने को मिल सकता है एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई रियली होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा तो नीचे यस कमेंट कर जरूर बताना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आप लोगों के लिए काफी सारे अपडेट्स आते रहते हैं एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर, आई विल सी यू।